जीत ले हम सारी दुनिया। पीछे हमें अटकने दो, रोज़ उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करें? एक गुफा थी, उस गुफा में जाल बुनते वक्त एक मकड़ी छत से नीचे गिर गई। वह उठी और किसी दूसरी जगह पर फिर से जाल बुनने लगी, पर वह फिर से गिर गई। वह बार बार गिरती रही, पर उसने जाल बुनना नहीं छोड़ा। सातवीं बार में उसने पूरा जाल बुनने में सफलता प्राप्त कर ली। उस मकड़ी में कौन सा गुण था? जी हाँ, उस मकड़ी में आसानी से हार नहीं मानी। दूसरे शब्दों में कहें तो उसमें दृढ़ता थी। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक निराश और हारा हुआ आदमी उस गुफा में छिपकर बैठा था और उस मकड़ी को देख रहा था। मकड़ी के व्यवहार से प्रभावित होकर उसने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और इंग्लैंड से लड़ाई करके अपना देश आयरलैंड वापस जीत लिया। उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्रूस। दृढ़ता की वजह से उसे अपने राज्य वापस मिल गया। दृढ़ता का अर्थ क्या होता है? दृढ़ता का अर्थ है कि कठिनाइयों, रुकावटों, निराशा और हार के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते जाना। मैं दोहराती हूं, दृढ़ता का अर्थ है कि कठिनाइयों, रुकावटों, निराशा और हार के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते जाना। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने दृढ़ता से कुछ हासिल किया हो? धन्यवाद। ऐसे व्यक्तियों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जिन लोगों ने मुसीबतों का सामना करके कुछ हासिल किया हो, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर केवल प्रेरित होने से कुछ नहीं होता। अगर हम उनसे प्रेरित होकर कोई अर्थपूर्ण कार्य ना करें, तो ऐसी प्रेरणा केवल एक प्रशंसा या सराहना बनकर रह जाती है। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको एक प्रसिद्ध व्यक्ति की धुंधली तस्वीर दिखाई जाएगी। उस व्यक्ति को पहचानने के लिए आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे, ठीक है? पहला, वे पूरे विश्व में प्रख्यात हैं। दूसरा, उन्होंने देश का सबसे ऊंचा पद संभाला, परंतु उसके पहले उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। तीसरा, उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। चौथा, कई बार चुनाव में उनकी हार हुई। पांचवा, उन्हें व्यापार में असफलता प्राप्त हुई। छठवा, उनके बदसूरत रंग रूप की वजह से लोग उनका मजाक उड़ाते थे। सातवां,
उन्हें अत्यधिक तनाव की वजह से दौरा पड़ा। आठवा, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा। नौवा, उन्होंने गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दसवा, गृह युद्ध के बाद उन्होंने अपने देश को बिखरने से बचाया। क्या आपने उस व्यक्ति को पहचाना? अगर नहीं तो वे इनमें से एक हैं। पहले जॉन कैनेडी, दूसरा अब्राहम लिंकन, तीसरा बराक ओबामा। सही कहा, वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन है। जिन्होंने सही उत्तर पहचान लिया था उन्हें बधाई हो। लिंकन न केवल अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपतियों में से एक हैं, बल्कि विश्व के महान नेताओं में भी उनकी गिनती की जाती है। दृढ़ता दर्शाने वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों में लिंकन का नाम अवश्य लिया जाता है। दृढ़ता उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व की निशानी है। विपरीत परिस्थितियों और कठिनाइयों में भी उन्होंने सफलता प्राप्त करने का हौसला नहीं छोड़ा। इससे हम क्या सीखते हैं? दृढ़ता लोगों को और उनके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाती है। मैं दोहराती हूं, दृढ़ता लोगों को और उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। क्या अब हम एक परिस्थिति पर ध्यान दें? मुकेश ठीक ठाक कबड्डी खेलता है, पर उसे अभी तक अपनी स्कूल की टीम में खेलने का मौका नहीं मिला है। उसने टीम में चुने जाने के लिए बहुत मेहनत की और चुनाव प्रक्रिया के दौरान बहुत अच्छी तरह खेला। उसे टीम में ले लिया गया। बाद में उसने इस अनुभव के बारे में अपने दोस्तों को बताया। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह किया। मुकेश में ज्यादा योग्यता नहीं थी, पर उसने मेहनत, लगन और दृढ़ता से काम किया। उसने आसानी से हार नहीं मानी। स्कूल की टीम में चुने जाना उसकी मेहनत और दृढ़ता की निशानी है। हमने इससे क्या सीखा? सफलता प्राप्त करने के लिए योग्यता होनी चाहिए, पर दुर्भाग्यवश हम सब में एक जितनी योग्यता नहीं होती। पर जब सफलताओं की कहानियां सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि लोग केवल योग्यता की वजह से सफल नहीं होते। जब योग्यता कम हो तब दृढ़ता और मेहनत से काम करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि दृढ़ता से योग्यता की कमी पूरी हो सकती है और सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं दोहराती हूं, दृढ़ता से योग्यता की कमी पूरी हो सकती है और सफलता प्राप्त हो सकती है। क्या हम सब मिलकर दृढ़ता के बारे में एक गीत गाएं? फिर संभलेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे।
धरती चीर निकला बीज विशाल वृक्ष बनता ऐसी मुश्किलें हटा के हम गिर के फिर संभलेंगे हम गिर के फिर संभलेंगे धरती चीर निकला बीज विशाल वृक्ष बनता ऐसी मुश्किलें हटा के हम गिर के फिर संभलेंगे हम गिर के फिर संभलेंगे चाहे रोके मार्ग को यह धरा और गगन मंजिल को पालेंगे गिर के फिर संभलेंगे हम गिर के फिर संभलेंगे चाहे रोके मार्ग को यह धरा और गगन मंजिल को पालेंगे गिर के फिर संभलेंगे हम गिर के फिर संभलेंगे गिर के फिर संभलेंगे गिर के फिर संभलेंगे हम गिर के फिर संभलेंगे। यह गीत हमें दृढ़ बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए एक और सच्ची कहानी के बारे में सुनते हैं। ১৯৬০ के दशक में अभिनेता बनने की चाह में एक कलाकार कई फिल्म निर्माताओं के पास गया, पर कोई भी उसे फिल्मों में नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसका कद 6'3" था। निर्माता कहते थे कि इतना लंबा व्यक्ति हीरो नहीं बन सकता। फिल्मों में रोल ना मिलने के बाद उसने सोचा कि उसे अपनी गहरी आवाज का फायदा उठाकर रेडियो पर काम करना चाहिए। इसलिए उसने ऑल इंडिया रेडियो के लिए स्वर परीक्षण दिया, पर उसे वह नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि उसकी आवाज रेडियो पर प्रसारित किए जाने योग्य नहीं है। इतनी निराशाओं के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और कुछ सालों बाद वह कलाकार इस देश का महान अभिनेता बना। हर रोज रेडियो पर उसकी फिल्मों के गीत बजाए जाने लगे। कुछ गीत तो उस कलाकार ने स्वयं गाए थे। क्या आप जान गए कि यह महान अभिनेता कौन है? नहीं तो आइए उनकी फिल्म के कुछ गीत सुनते हैं और देखते हैं कि आपने उन्हें पहचाना या नहीं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। पिछली सी बातें क्यों करती हो शर्मा तू? पिछली सी बातें पिछली इरादे मैं सच करूँगा ते जाते पिछली इरादे हे हे। रोते हुए आते हैं सब रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। जिन्होंने सही उत्तर जान लिया उन्हें बधाई हो। हम मशहूर कलाकार अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में काम किया है और कई फिल्मों व कार्यक्रमों में अपनी आवाज भी दी है। वे इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उन्होंने हर प्रकार की फिल्मों में अभिनय किया है और अपनी कुछ फिल्मों में गीत भी गाए हैं। उन्हें सफलता प्राप्त हुई क्योंकि वे कभी आलोचना और असफलता से घबराए नहीं, वे दृढ़ता से काम करते रहे। एक जानी मानी कहावत है, एक विजेता कभी कायर नहीं होता और एक कायर कभी विजेता नहीं बन सकता। असफलता और निराशा सबके जीवन में आते हैं और हमें चुनौती देते हैं, पर संघर्ष करते रहने से ही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है। हमने कुछ देर पहले देखा कि दृढ़ता से हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। दृढ़ता से सफलता प्राप्त करने वाली कहानियां सुनकर
खुद को और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर हम दृढ़ता से काम करके किसी काम में सफलता प्राप्त करें तो इससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है और हमें भी। हम चुनौतियों का सामना करते हुए और भी सफलताएं प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दृढ़ता से हमें और दूसरों को प्रेरणा मिलती है। मैं दोहराती हूं, दृढ़ता से हमें और दूसरों को प्रेरणा मिलती है। क्या आपकी दृढ़ता की वजह से किसी को प्रेरणा मिली है, या फिर क्या किसी की दृढ़ता की वजह से आपको प्रेरणा मिली है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। दृढ़ता से एक मामूली व्यक्ति और एक औसत दर्जे के व्यक्ति के बीच का फर्क मिट जाता है। इसी तरह औसत और अच्छे के बीच का फर्क अच्छे और महान के बीच का फर्क भी मिट जाता है। अर्थपूर्ण उद्देश्य की तरफ बढ़ाया गया हर कदम हमें उन्नति और सफलता की ओर ले जाता है। पर अफसोस की बात यह है कि हम सब हमेशा इस बात को समझ नहीं पाते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने प्रयास करना छोड़ दिया हो और उस वजह से आपको कोई मौका गंवाना पड़ा हो? क्या आप अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। कई बार हम किसी कारण की वजह से, आलस की वजह से या फिर प्रोत्साहन की कमी की वजह से कोई काम अधूरा छोड़ देते हैं। बाद में उस बात को याद करके हमें पछतावा होता है। कई बार हम दृढ़ता से काम ना करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बहुत प्रतिभावान होते हैं पर वे कोई भी अर्थपूर्ण काम नहीं करते और उनकी प्रतिभा व्यर्थ जाती है। अब यह प्रश्न उठता है कि हमें दृढ़ता से कब काम करना चाहिए? जब हमें पता हो कि हमारे लक्ष्य असंभव नहीं और जब हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने की मेहनत में आनंद आ रहा हो, तब हमें दृढ़ता से काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, गणित में 100% अंक लाने के लिए दृढ़ता दिखाना अर्थपूर्ण होता है। सारे पाठ ठीक से पढ़कर उनका अभ्यास करने से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जब सफलता प्राप्त करना असंभव हो, तब ऐसे लक्ष्य के पीछे भागना मूर्खतापूर्ण लगता है। उदाहरण के लिए, किसी छोटे और दुर्बल व्यक्ति का सूमो पहलवान बनना असंभव होता है। इसी तरह 25 वर्ष के किसी मोटे व्यक्ति के लिए करतब दिखाना और कलाबाजिया करना मुमकिन नहीं होता। हम कह सकते हैं कि जब लक्ष्य असंभव ना हो और उसके लिए मेहनत करने में आनंद आए, तब दृढ़ता से काम करना अर्थपूर्ण होता है। मैं दोहराती हूं, जब लक्ष्य असंभव ना हो और उसके लिए मेहनत करने में आनंद आए, तब दृढ़ता से काम करना अर्थपूर्ण होता है। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? दृढ़ता का अर्थ है कि कठिनाइयों, रुकावटों, निराशा और हार के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते जाना। दृढ़ता लोगों को और उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो दृढ़ता अर्थपूर्ण हो जाती है, और जब लक्ष्य प्राप्त ना हो तब दृढ़ता एक मूल्यवान अनुभव की तरह
ही होती है। नमस्ते छात्रों, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? आइए हम खुद को प्रेरित करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। उदाहरण के लिए एक वाक्यांश है, मैं कर सकता या सकती हूं। आप इस तरह के जितने भी वाक्यांश सोच सकते हैं उन्हें सोचकर अपनी नोटबुक में लिखें। वाक्यांश लिखने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ वाक्यांशों पर नजर डालें? मैं फिर से कोशिश करूंगा या करूंगी। मैं आसानी से हार नहीं मानता या मानती। मैं इस काम को बीच में नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। मुझे जितना हो सके मैं उतनी अच्छी तरह काम करूंगा या करूंगी। यह संभव है। मैं यह कर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। मुझ में हिम्मत है। ऐसे प्रेरक वाक्यांश जब सकारात्मक होते हैं तो हमें हिम्मत और आत्मविश्वास देते हैं। पर जब मैं कर सकता या सकती हूं बदलकर केवल मैं ही कर सकता या सकती हूं बन जाए तो वह नकारात्मक बन जाता है। इसमें अभिमान का भाव होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि खुद को प्रेरित करते समय हम में अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं कर सकता या सकती हूं, केवल मैं ही कर सकता या सकती हूं। अब हम एक क्रियाकलाप करें। आपको किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना है जो आप मैं कर सकता या सकती हूं के विश्वास से हासिल कर सकते हैं और केवल मैं ही कर सकता हूं के अभिमान से हासिल कर सकते हैं। क्या आप दोनों स्वेच्छा से यहां आकर बताएंगे कि आप ये कैसे कहेंगे? बहुत बढ़िया किया आपने, धन्यवाद। क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं? ये थॉमस एल्वा एडिसन है, एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। उन्होंने और भी कई आविष्कार किए। बल्ब बनाने के प्रयास में वे हजार बार असफल हुए और उसके बाद ही उन्हें बल्ब बनाने का सही तरीका मिला। जब उनसे उनकी असफलताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बल्ब न बनाने के हजार तरीके ढूंढे हैं। हमें इससे क्या सीख मिलती है? धन्यवाद, सही कहा। जो काम हमने शुरू किया हो उसे खत्म करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सफलता तभी मिलती है जब हम शुरू किए गए काम को खत्म करते हैं। हमें अपनी गलतियों से भी सीख मिलती है। कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक सोच रखने से हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की ताकत मिलती है। दुनिया जिस चीज को हार का नाम देती है उसे अलग नजरिए से देखने से भी हमें ताकत मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखने को मिलती है वह है हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, कठिनाइयों पर नहीं। मैं दोहराती हूं, हमें अपने लक्ष्य पर
ध्यान देना चाहिए, कठिनाइयों पर नहीं। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? स्कूल की परीक्षा में आपके मित्र को बहुत कम अंक मिले, उसे डर है कि बोर्ड की परीक्षा में वह फेल हो जाएगा। आप उसे प्रोत्साहित करते हैं ताकि वह डर कर पढ़ाई करना न छोड़ दे। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखाएंगे? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमने पिछले सत्र में जो दृढ़ता का गीत सीखा था, क्या उसे साथ मिलकर गाएं? गिर के फिर संभलेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे। धरती चीर निकला बीज, विशाल वृक्ष बनता, ऐसी मुश्किलें हटा के हम गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे। धरती चीर निकला बीज, विशाल वृक्ष बनता, ऐसी मुश्किलें हटा के हम गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे। चाहे रोके मार्ग को यह दरा और गगन, मंजिल को पालेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे। चाहे रोके मार्ग को यह दरा और गगन, मंजिल को पालेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे। बहुत बढ़िया, आप सबने बहुत अच्छी तरह गाया। क्या हम एक और परिस्थिति पर ध्यान दें? ये डेमोस्थीन्स है, ग्रीस के सबसे महान वक्ताओं में से एक। वे हकला कर बोला करते थे और लोग उनका मजाक उड़ाते थे, पर उन्होंने वक्ता बनने की इच्छा को दबाया नहीं। उन्होंने अपने मुंह में कुछ कंकड़ रख लिए और समुद्र तट पर खड़े होकर इतनी जोर से बोलने लगे कि लहरों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे उनका हकलाना दूर हो गया और वे एक निडर वक्ता बन गए। कभी कभी हमारी समस्याएं वास्तविक नहीं बल्कि मानसिक होती हैं, जैसे कि डर। हमें अपने डर को दूर करना चाहिए ताकि वह हमारे लक्ष्य की राह में ना आए। आत्मविश्वास पैदा करके और सकारात्मक सोच अपनाकर हम अपनी चिंताओं को मिटा सकते हैं। डेमोस्थीन्स को डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और यही उसकी समस्या बन गई। उसका लक्ष्य था अच्छा वक्ता बनना। दृढ़ता से उसने अपनी समस्या को हल कर दिया। हमें समस्याओं को दूर भगाकर लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। मैं दोहराती हूं, हमें समस्याओं को दूर भगाकर लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपने किसी डर की वजह से अपनी किसी इच्छा या लक्ष्य को दबाया है? क्या आप इसके बारे में अपने घनिष्ठ मित्र को बताना चाहेंगे? कभी कभी समस्याएं बाहर से आती हैं। दूसरों की आलोचना की वजह से हम हताश हो जाते हैं, पर हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जैसे कि इस कहावत में कहा गया है। जब दुनिया कहती है हार मान लो,
उम्मीद की आवाज आती है, एक बार और प्रयास करो। मैं दोहराती हूं, जब दुनिया कहती है हार मान लो, उम्मीद की आवाज आती है, एक बार और प्रयास करो। जब हम धीमे हो जाएं या फिर हमें काम छोड़ देने का मन करे, तो हमें खुद से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगे कि हम आलसी हो गए हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं आलसी क्यों हूं, बल्कि हमें खुद से यह पूछना चाहिए, हर वक्त चुस्त बने रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। मैं आपको दो परिस्थितियों के नकारात्मक पहलू बताऊंगी, आपको उसी परिस्थिति के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण बताना है। मैं इस समस्या को हल करने में बार बार गलतियां कर रही हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरों के सामने कभी प्रभावपूर्ण तरीके से बोल पाऊंगी। क्या आपने पूरा कर लिया? क्या हम उत्तर जांच लें? नकारात्मक सकारात्मक। मैं इस समस्या को हल करने में बार बार गलतियां कर रही हूं, इस समस्या को हल करने के लिए क्या मुझे कोई अलग तरीका अपनाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरों के सामने कभी प्रभावपूर्ण तरीके से बोल पाऊंगी। दूसरों के सामने क्या मुझे अपने विचार अलग ढंग से सामने रखने चाहिए, ताकि मैं उन्हें प्रभावित कर सकूं? इसी तरह अगर हमें पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही हो, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, अगली बार अच्छे अंक लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? खुद के प्रति सकारात्मक सोच रखने से हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। विंस्टन चर्चिल ने कहा है, सफलता आखिरी नहीं होती, असफलता घातक नहीं होती। आगे बढ़ते रहने का साहस ही ज्यादा महत्व रखता है। इसीलिए हमें खुद को और अपने कार्यों को सकारात्मक तरीके से देखें। मैं दोहराती हूं, खुद को और अपने कार्यों को सकारात्मक तरीके से देखें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम में बहुत क्षमता होती है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। यदि उस क्षमता का इस्तेमाल करना हो, तो हमें आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा करने से हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और दूसरों को भी यह समझ में आ जाता है कि हम में कितना सामर्थ्य है। क्या आप किसी ऐसी घटना के बारे में बता सकते हैं जब आपको शुरुआत में कोई काम मुश्किल लग रहा हो और बाद में दृढ़ता की वजह से आपने उस काम में सफलता प्राप्त कर ली हो? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि इससे दूसरों को और आपको प्रेरणा मिलेगी। क्या हम दृढ़ता के कुछ सकारात्मक परिणामों के बारे में जानें? नीचे कुछ उल्टे पुल्टे शब्द दिए गए हैं, आपको अक्षरों को सही क्रम में जमा कर उचित शब्द बनाने हैं। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं कि ये शब्द कौन से हैं। पहला गौरव, दूसरा प्रसन्नता, तीसरा आत्मविश्वास, चौथा आत्मसम्मान, पांचवा
सकारात्मक सोच। जब हम चुनौतियों का सामना करते हुए थोड़ा कष्ट उठाते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो हमें गौरव और प्रसन्नता का एहसास होता है। इससे हम खुद को ज्यादा अच्छी तरह जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। आत्मविश्वास बढ़ने से हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है और इनसे हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? दृढ़ता का अर्थ है कि कठिनाइयों, रुकावटों, निराशा और हार के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते जाना। दृढ़ता लोगों को और उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो दृढ़ता अर्थ पूर्ण हो जाती है और जब लक्ष्य प्राप्त ना हो तब दृढ़ता एक मूल्यवान अनुभव की तरह ही होती है। दृढ़ता से काम करने के तरीके। पहला, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, कठिनाइयों पर नहीं। दूसरा, हमें समस्याओं को दूर भगाकर लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, खुद को और अपने कार्यों को सकारात्मक तरीके से देखें। दृढ़ता के सकारात्मक परिणाम। पहला, गौरव। दूसरा, प्रसन्नता। तीसरा, आत्मविश्वास। चौथा, आत्मसम्मान। पांचवा, सकारात्मक सोच। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।